हम लोग पढ़ने लगे मसल्स ऑफ द फेस के फेशियल मसल्स। एंड में हम लोग अगर सबसे पहले देखें तो हमारे फेस में हमारे पास थ्री ओपनिंग्स हैं, आईज की है, नोज़ की है, लिप्स की है। ये हमारे पास फेस में आई जाती हैं और हमारे पास एक ऑरिकुलर भी होती है, पर इसके मसल्स हम लोग नॉर्मली पढ़ते नहीं है क्योंकि वेस्टिजियल होते हैं, एनिमल्स में प्रॉपर होते हैं और हमारे में ना मैमल्स में ज़रा कम होते हैं। सबसे पहले अगर हम फेस का देखें तो हमारे पास है ऑर्बिकुलरिस ओकुला है। ये ऑर्बिकुलरिस ओकुला के दो पार्ट हैं जिसको मैं मेंशन कर रही हूँ। बाहर बाहर वाला ये ऑर्बिटल पार्ट है और ये आईलिड के ऊपर जो है पैल्पेब्रल पार्ट है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये पैल्पेब्रल पार्ट जो है ना इसका हमारा ये स्टार्ट होता है लेटरल, जो से हमारे इसके थे पैल्पेब्रल लिगामेंट, मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट के लेटरल से स्टार्ट होकर यहाँ पे लेटरल रेफी पे आके ख़त्म हो जाता है। और जो हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ओकुला वाला पार्ट था ना, इसका ऑर्बिटल वाला पार्ट, ये मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट से स्टार्ट होकर उसके ओरिजिन एससी सर्कुलर में उसी जगह पे आके ख़त्म हो जाती है। ये हमारे पास क्या करते हैं, क्लोजर ऑफ आइज, क्लोज करवाते हैं, ठीक हो गया, इसने क्लोज करवा दिया। अब हमारे पास आ जाता है एक सुपर सिलरी कोरोगेटर सुपर सिलिया है। ये हमारे पास स्टार्ट होता है मीडियल एंड ऑफ द सुपर सिलरी आर्च से और एंड हो जाता है मिड ऑफ द आईब्रो पे, इस तरह करके इतना सा मसल है, ठीक है। ये अब हमारे पास क्या करता है, वर्टिकल रिंकल्स करवाते हैं। जैसे हमारे पास ये टू आईज पड़ी हुई है, अगर ये इस तरह करके दोनों पड़ा हुआ है, दोनों साइड पे इस तरह करके पड़े हुए हैं, तो वर्टिकल रिंकल्स करवाएंगे फेस पे, ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारे नेजल ओपनिंग के मसल्स, ठीक है। नेजल ओपनिंग का हमारे पास सबसे पहला मसल आता है डिप्रेसर सेप्टाइनिजाय। डिप्रेसर सेप्टाइनिज हमारे पास होता है मैगजिला ओवर द मीडियल इंसाइजर्स, मीडियल इंसाइजर्स के ऊपर मैगजिला वाले पार्ट पे होता है और जाके इंसर्ट होता है लोअर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम में। देखो यहाँ से नीचे से स्टार्ट हुआ डिप्रेसर सेप्टाई, यहाँ पे फील हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ से स्टार्ट होकर और नेजल सेप्टम में जाके फिनिश हो जाता है, ठीक है। इसको सप्लाई कौन करते हैं, सुपीरियर लेबियल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी। अभी नीचे लगा हुआ तो इसने मतलब नोज़ को नीचे की तरफ को पुल करना है, डिप्रेसर नाम है ना इसको, तो सेप्टल वैसे नाम से पता लग रहा है कि नोज़ के सेप्टा पे जाके फिनिश हो रहा है, तो यहीं से नाम याद रख लेना, ठीक हो गया। हमारे पास होता है ये नजेलिस मसल, अब इसका वो हमारे पास आता है कंप्रेसर नजाय, उसके टू पार्ट्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास ट्रांसफर पार्ट हो गया, एलर पार्ट हो गया। ये हमारे पास नोज़ को, अगर हमारे पास जैसे ये फूला हुआ नाक पड़ा हुआ तो इसको ऐसे कंप्रेस कर देता है, ठीक हो गया। डायलेटर हमारे पास उसको डायलेट कर देता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास आते हैं लिप्स के मसल्स। लिप्स में हमारे पास सबसे पहले आता है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, ठीक है। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल हमारे पास मैगजिला और ये मैंडिबल वगैरह से आते हैं और इसके कुछ ब्रांचेज उनसे होती हैं ना, ऐसी दूसरे मसल्स वगैरह से आ जाती हैं और ये जाके ख़त्म कैसे होते हैं, एंगल ऑफ माउथ पे, ठीक है, ऐसे करके ये हमारे पास मसल है और ये हमारे पास लिप्स की क्लोजिंग करवाते हैं। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई ने इस आँख की क्लोजिंग करवाई थी, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस ने हमारे पास माउथ को क्लोज करवाया, ठीक हो गया। अब हम माउथ का दूसरा अगर मसल पढ़ें तो हमारे पास यहाँ पे है बक्सीनेटर। बक्सीनेटर ये देखें, ये लगा हुआ है, ठीक है। बक्सीनेटर अब इसके ओरिजिन हम लोग अगर देखें तो ये हमारे पास कहाँ से है, अपर लिप से, अपर फाइबर्स फ्रॉम द मैगजिला ओवर द मोलर टीथ। हमारे पास यहाँ पे मोलर्स पड़े हुए हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दरमियान में इंसाइजर्स आए, उसके साथ में केनाइन आए, ठीक है, फिर साथ में मोलर्स हैं। ये मोलर्स के लेवल में अप उसके ऊपर पड़ा हुआ है और जाके एंड हो रहा है हमारे पास अपर लिप पे, स्ट्रेट टू द अपर लिप, ये देखो लगा हुआ है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बक्सीनेटर मसल क्या करवाते हैं, विस्लिंग में या मेस्टिकेशन में, या तो मेस्टिकेशन में या तो हमारे पास विस्लिंग में होता है, ठीक है, ये विस्ल में आ गया। अब हमारे पास कौन सा आगे मसल आ जाता है, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आता है लिवेटर लिबाय सुपीरियोरिस एलेक्किनजाय। लिवेटर लिबाय सुपीरियोरिस एलेक्किनजाय हमारे पास ये वाला मसल, ठीक है, जो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग ओरिजिन देखें तो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैगजिला, ये तो हमें पता लग रहा है मैगजिला पे पड़ा हुआ है, यहाँ से ओरिजिनेट होगा अपर लिप एंड द एलर कार्टिलेज ऑफ नोज पे, यहाँ जाके ख़त्म हो गया। अब इसकी हमारे पास ब्रांच सप्लाई के इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी सुपीरियर लेबियल ब्रांचेज एंड ऑफ द फेशियल आर्टरी और ये हमारे पास क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं अपर लिप को ऊपर को और डायलेट कर देते हैं नॉस्ट्रिल्स को, नॉस्ट्रल्स को एक तो डायलेट इसने करवाया तो अपर लिप को ऊपर को कर देगा, ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास दूसरा मसल हम लोग देखें तो आगे हमारे पास आता है लिवेटर लिबाय सुपीरियोरिस, ठीक है। लिवेटरली बाय सुपीरियोरस मसल ये वाला हमारे पास, ये देखो उसके साथ ही इतना सा ये हमारे पास लगा हुआ है। अगर इसकी प्रॉपर इंसर्शन हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है कि इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ मैगजिला, वो फ्रंटल प्रोसेस था, ये इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ मैगजिला से लेकर स्किन ऑफ अपर लेटरल हाफ ऑफ द अपर लिप पे, ये लेटरली आके लग रहा है, ठीक हो गया। अब इसने हमारे पास क्या करवाया है, एलिवेट करवाया अपर लिप को और नेजोलेबियल फोल्ड बनाया है, ठीक है। नेजोलेबियल फोल्ड हमारे पास किस तरह करके बनती होती है, जो लाइन बनती होती है ना लिप्स के साइड पे, इसको कहते हैं नेजोलेबियल फोल्ड्स, इसने वो बनाई है, ठीक है। अब हमारे पास आगे आता है लिवेटर लैंगुला ऑरिस, लिवेटर लैंगुला ऑरिस,
अच्छा, हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास लिवेटर एंगुलाए ऑरिस, ठीक है। लिवेटर एंगुलाए ऑरिस जो हमारे पास होता है ना, वो हमारे मैक्सिला जस्ट बिलो द इंफ्रा ऑर्बिटल पे आता होता है। यहाँ पे कहाँ पे फील होगा ऑरिस? अच्छा, अगर नहीं है तो एंगल पे वहाँ से स्टार्ट होता है, स्किन ऑफ एंगल ऑफ माउथ पे आके हमारे पास ख़त्म हो जाता होता है। ठीक हो गया। अब हम लोग हमारा मसल अगला देखते हैं, जैगोमेटिकस मेजर। जैगोमेटिकस मेजर है हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द जैगोमेटिक बोन से स्टार्ट होता है। ये हमारे पास है जैगोमेटिक बोन का लेटरल एस्पेक्ट, से उधर से हमारे पास स्टार्ट हुआ जैगोमेटिकस मेजर और एंगल ऑफ द माउथ पे आके ख़त्म हो गया। इसने हमारे पास क्या करवाया है, जैगोमेटिकस ने पुल द एंगल अपवर्ड एंड लेटरली, मतलब ये जैगोमेटिकस मेजर जो है ना बड़ा मेजर है, तो ये हमारे पास मेजर काम करवाएगा कौन सा, स्माइली मसल है ये। ठीक हो गया, इसने हमारे पास स्माइल करवाया। अब जैगोमेटिकस माइनर जो है वो हमारे पास लेटरल सर्फेस ऑफ द उस दूसरी बोन से आता है, ये उसके साथ ही हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी हमारे पास मीडियल एंगल पे आके उस पर अपर लिप पे मीडियल टू एंगल पे ख़त्म होता है, ये भी उसको अपर मूव करवाता है, ये भी जाइगोमेटिक है, तो ये भी हमारे पास स्माइल करवाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है डिप्रेसर एंगुलर ऑरिस, इसने हमारे पास ग्रीफ वगैरह में होता है, इसने माउथ को नीचे करवाना है। मेरी जो मसल्स हैं ना हमारे पास, इनके हमने एक्शन ओरिजिनल इंसर्शन सिर्फ इस वजह से करनी है याद, कि हमें उसके एक्शंस और उसकी नर्व सप्लाई याद रहे। मेंटालिस है हमारे पास, ठीक है, वो यहाँ पे हमारे पास लगा होगा। ये हमारे पास आता है रेजोरस, रेजोरस रेजोरस कहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है अगर, तो ये हमारे पास मेसिटर मसल्स के फेशिया पे होता है और एंगल ऑफ माउथ पे जाके ख़त्म होता है ये भी, और ये भी स्माइलिंग मसल में इन्वॉल्व होता होता है, ठीक है। मेंटालिस हमारे पास माउथ को क्लोज करने के लिए होता है क्योंकि नीचे लगा हुआ है, सिर्फ ये हमारे पास मसल्स हैं। ये एक दफ़ा यहाँ से देख लेना है, सारा रीड कर लेना है, इसकी नर्व सप्लाई वगैरह मैंने साथ में लिखी हुई है, तो वहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो मेन है इनका, ये याद करना होता है एमसीक्यूज में, सिर्फ यही इसमें पूछा जाता है, स्माइलिंग और लाफिंग में कौन सा जाइगोमेटिकस मेजर, सैडनेस में कौन है, ये वाले ग्रीफ में कौन है, ये वाले एंगर डिसलाइक, बस ये वाला, इनके सारे ये याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक हो गया। अब हमारे पास आगे हमने पढ़नी है फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी हमारे पास क्या है, इट्स द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये देखिए हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, उधर से हमारे पास निकल रही है ये फेशियल आर्टरी। ठीक हो गया। फेशियल आर्टरी अगर हमारे पास वहाँ से निकल गया है कैरोटिड ट्रायंगल से, देखो नीचे से आ रही है ना नेक के रीजन से, कैरोटिड ट्रायंगल से आ रही है एट द टिप ऑफ द कॉर्न ऑफ हाइड बोन। हमारे पास यहाँ पे हाइड बोन पड़नी होती है, उसके कॉर्न वहाँ से निकलती है, सब मैंडिबुलर रीजन से पास करती है फिर। ठीक है। अब हम लोग ना देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे है, बेस ऑफ मैंडिबल पे वाइंड की हुई है। ये देखो यहाँ पे इसका ये टॉर्चस कोर्स हमारे पास बना हुआ है ना, ये क्यों है टॉर्चस, कि जब अगर हम लोग मुंह को खोलते हैं, ये मुंह खोला है, ये हमारे पास अपर जॉ, ये दांत हमारे पास खुले हुए आ रहे हैं, मुंह खोलते हैं तो जाहिर है ये खुल जाती है आर्टरी, पहले तो बंद करके पड़ी हुई है देखो इस तरह, फिर जब खुल जाती है तो इसका मतलब है इसके टूटने के चांसेस कम है, या इसको रप्चर होने के चांसेस कम है जब हम माउथ खोलते हैं या किसी भी काम से कुछ भी करते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास फेस में एंटर हो गया बाय पियर्सिंग द डीप सर्वाइकल फेशिया और एंटीरियर इन्फीरियर, यहाँ पे हमारे पास मैसेटर मसल पड़ा होता है, ठीक है, इस जगह पे उसका एंटीरियर इन्फीरियर हमारे पास इसको क्रॉस करके चली गई है, और ये इसी लेवल पे, इसी लेवल पे अगर हम लोग अपने फेस पे देखें तो हमारे पैल्पेब्रल भी, इसकी वजह से इसे एनेस्थेटिक आर्टरी भी कहते हैं। अब ये क्या करती है, हमारे पास अपवर्ड मूव की है, इसने अपनी ब्रांचेस दे दी हैं, एक हमारे पास ये अपनी ब्रांचेस इसने दी हैं, सुपीरियर लेबियल आर्टरीज, इन्फीरियर लेबियल आर्टरीज, और ये मूव करती करती है लेटरल एंगल, लेटरल पार्ट ऑफ द नोज से पास करती करती एंगल ऑफ आई पे जाती है, और वहाँ पे एंगुलर आर्टरी देती है, एंगुलर आर्टरी दी, लेटरल नेजल आर्टरी दी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी, इन्फीरियर लेबियल आर्टरी, ये इसकी चारों ब्रांचेस हमने पढ़ ली। ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि जब ये एंगुलर आर्टरी बनी तो इसने एनास्टमोस किया हुआ है, यहाँ पे ये एनास्टमोसिस बने हुए हैं विद द सुपर ऑर्बिटल आर्टरी एंड द सुपरा ट्रॉकुलर आर्टरी, दीज टू आर्टरीज आर द ब्रांचेज ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द फेश सॉरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। अब ये जो थी ना हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस थी, और हमारे पास फेशियल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड की थी, अब यहाँ पे इन दोनों का एनास्टमोसिस होता है। ठीक हो गया। हमने इसकी ब्रांचेस पढ़ ली, अब हम लोग देखते हैं, एनास्टमोसिस भी पढ़ लिया, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी द ब्रांच ऑफ द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांच है, ये हम लोगों ने देख लिया, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, इसकी ब्रांच है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, पैरोटिड रीजन के लेवल से पास करती है, और हम लोग इसका पढ़ते हैं कि क्या है, मैसेटर को मैसेटर वहाँ पे मैसेटर मसल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर होती है बिटवीन द पैरोटिड डक्ट एंड द जैगोमेटिक आर्च, जैगोमेटिक बोन होती है, और इसको सप्लाई कौन करता है,
ये इसके साथ एकम्पनाई करती है एप्पल बकर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, सप्लाई करती है पैरोटिड ग्लैंड को, मैसेटर को, और उसके साथ जो स्किन पड़ी होती है और अपने साथ वाली नेबरिंग ब्रांचेस के साथ एकम्पनाई कर जाती है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है कि जो फेशियल वेन हमारी पड़ी हुई थी और उसके साथ ये हमने जब हम पढ़ा था वेनस ड्रेनेज पड़ी थी तो फेशियल वेन्स के साथ हमारे पास डीप फेशियल वेन निकल रही थी जो हमारे पास प्लेक्सिस से पास होती होती कैवर्नस साइनस में चली जाती थी। ठीक हो गया, ये वो फेशियल वेन्स डीप कनेक्टिंग वेन्स के थ्रू जो उनसे होता है ना एक कनेक्शन बनाती हैं जो खुलता है कैवर्नस साइनस में, ये वो बात की है। अगर हमारे पास फेस में अपर लिप पे, साइड ऑफ नोज़ पे या चीक पे कहीं पे भी पिंपल बनता है तो हमें उसको पिंपल को स्क्वीज़ नहीं करना चाहिए, वरना जो पस होती है अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह कोई भी चीज़ होती है वो डीप फेशियल वेन्स के थ्रू कैवर्नस साइनसिस में चला जाते हैं और थ्रोम्बोसिस हो जाती है। ठीक है, इट्स अ डेंजरस एरिया ऑफ फेस। अब अगर हम लोग आगे देखें तो हमारे पास क्या ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है ये इन्वॉल्व, अगर इसमें ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है ना तो ट्राइजेमिनल की वन या बहुत ज़्यादा ब्रांचेस इन्वॉल्व होंगी इस न्यूरालजिया में। स्वेयर बर्निंग एंड द स्कैल्डिंग पेन होती है अलॉन्ग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, दैट्स इट। अब हम लोग पढ़ेंगे आईलिड, आईलिड में हमारे पास ये सारी लेयर्स हैं। ठीक है, इसमें कौन सी आ गया हमारे पास, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मस्कुलर लेयर जिसमें हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है, सब मस्कुलर टिश्यू, टार्सल प्लेट, एपेनोरोसिस, मुलर्स मसल्स, कंजक्टाइवा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ड्रॉ करके पहले कि ये कैसे बना। सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से ये वाला आईलिड का। ठीक है, पैल्पेब्रल फिशर कौन सा होता है, ये आई का हम लोग जो सा होता है ना ये पैल्पेब्रल फिशर बन रहा है। अब इसमें हमने एंगल्स और कैंथाए बताने हैं। टू लिड्स फ्यूजेस विद ईच अदर, ये टू लिड्स फ्यूज़ किए विद ईच अदर, अगर दोनों आंखें बना देते हैं चलें, ये इसका मीडियल कैंथाई बन गया जो, और ये लेटरल कैंथाई बन गया। ठीक हो गया ना, कैसे ये इसका ये वाला मीडियल कैंथाई है, ये लेटरल कैंथाई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये लेकस लैक्रिमेलिस क्या है। यहाँ पे ना ये हमारी आई है, इसका लेकस लैक्रिमेलिस ट्राइंगुलर एरिया है, ट्रायंगुलर एरिया जो हमारे पास इसके मीडियल एंड पे बनता है इसको कहते हैं लेकस लैक्रिमेलिस, और लेकस लैक्रिमेलिस के पास ये एक एक्सटेंडेड एरिया होता है या उभार वाला एरिया जिसे कहते हैं लैक्रिमल क्रंकल्स, और इसमें हमारे पास आईलिड के मीडियल पे नीचे ये आईलिड जहाँ पे हमारे पास फॉलिकल्स या हेयर सीलिया वगैरह पड़े होते हैं वहाँ पे हमारे पास ये एक डॉट पड़ा लगा हुआ है हमें नज़र आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लैक्रिमल पैपिला विद अ पंक्टम। ठीक हो गया, अब ये जो हमारे पास लेकस लैक्रिमेलिस पड़ा हुआ था जो हमारे पास ट्राइंगुलर एरिया था इसके साइड्स पे ये एक हमारे पास वर्टिकल फोल्ड बना है, वर्टिकल फोल्ड को हम लोग कहते हैं प्लाइका सेमिनुलैरिस। ठीक हो गया, ये हमारे पास प्लाइका सेमिनुलैरिस है, ये हमने इसकी डिटेल पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने लेयर्स बनाई थी किधर, ये वाला, ये कैसे बनेंगी। सबसे पहले हमारे पास आती है स्किन के लेयर। ठीक है, अगर हम सबसे पहले ये आई बनाए ना उसके ऊपर ये आईलिड्स वगैरह हैं, बहुत ही फजूल बनी, ये आई है, आईलैशेस, आईब्रोज और आईलैशेस दोनों हमने बना दिए। ठीक हो गया, अगर हम इतने से पार्ट को एक बड़ा करके देखें जूम करके तो हमारे पास कैसे बनती हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास आई स्किन के लेयर, ये हमने बना लिए, इधर हमारे पास सबसे पहले आई स्किन के लेयर। ठीक है, अब स्किन के साथ हमने बनाई सबक्यूटेनियस टिश्यू की बनाने की वजह से ज़रूरत नहीं है, वो स्किन के साथ अटैच होती है। ठीक हो गया, अब उसके साथ हमने मस्कुलर लेयर बनाई, मस्कुलर लेयर में हमने ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई का मसल बना लिया, ये हमारे पास आ गया मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर के साथ सब मस्कुलर टिश्यू जो होता है ना वो भी उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी उसके साथ टाइटली अटैच होता है। ठीक है, उसके साथ हमने बनानी है टार्सल प्लेट्स, ये हम टार्सल प्लेट्स का कलर चेंज कर देते हैं, ये हमने टार्सल प्लेट्स बना ली, इनके दरमियान में स्पेस होती है। ठीक है, अब उसके साथ हमने एपेनोरोसिस बनानी है एक मसल की जिसे हम कहते हैं लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस। अब उसका जो मसल्स के जो अटैचमेंट जैसे आके लगती है ना वो एक आके एपन जो ऐसे करके उस मसल का टेंडन लगेगा, जिस मसल का टेंडन इस तरह की शेप में होता है ना कि आगे से फैला हुआ उसको एपेनोरोसिस कह देते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे एपेनोरोसिस का नाम दिया, और ये यहाँ पे ऊपर आके लगता है टार्सस के साथ। ठीक हो गया, टार्सल प्लेट्स के साथ फिर हमारे पास आते हैं मुलर्स मसल्स, मुलर्स मसल हमारे पास आ गया, उसके बाद मुलर्स मसल भी बना देते हैं, फिर हमारे पास आ जाता है कंजक्टाइवा।
या हमने बना दिया कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा हम लोग अगर देखें ना, तो हमारे पास अगर ये आई है, तो जिसका अगर हम आई है लोअर आईलिड को नीचे करके देखें, तो जहाँ से हम लोग जॉन्डिस को नहीं चेक करते लाइन को या कलर को, वो हमारे पास होता है कंजक्टाइवा। ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ये हमने कंजक्टाइवा बना दिया था लास्ट पे, ये हमारे पास लोअर पे। ठीक है। अब हमारे पास लिड मार्जिन अगर देखें ना, ये लिड के अगर मार्जिन पे, यहाँ पे हमारे पास मसल्स पड़े होते हैं अंदर वाली साइड पे, जिन्हें हम लोग कहते हैं जीस ग्लैंड या तो मोल्स ग्लैंड। जीस जो होते हैं उनको कहते हैं सीबेशियस ग्लैंड, और जो हमारे पास होते हैं मोल्स ग्लैंड, वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं। ठीक है, ये हमें स्ट्रक्चर समझ आ गया। और ये जो हमारे पास मुलर्स मसल्स हैं ना, ये कहाँ पे पड़े हुए थे ये तो हमने देखा नहीं। मुलर्स मसल हमारे पास पड़े हुए थे ये टार्सल्स मसल के अंदर, सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे पास। ठीक हो गया। ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं। और ये हमारे पास जो मोलर्स और जीस मसल है, वो यहाँ पे हमारे पास नीचे आईलिड पे पड़े होंगे। ठीक है, ये हमने सारे इसका स्ट्रक्चर देख लिया।